दोस्तों आज का दिन दुनिया भर में करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसा लोग हैं जो मोटापा का शिकार है और इसमें ज़्यादातर आदमी अपना वजन को भी कम करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वजन घटा पाना बेहद मुश्किल होता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपका भी वजन ज़्यादा है तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है शेख अहम इस्लाम। आज का वीडियो में हम लोग 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वजन क्यों घटाना है और दूसरा लाख कोशिश के बावजूद भी वजन कम कर पाना इतना मुश्किल क्यों होता है और तीसरा वजन कम करने का सबसे सही और सरल तरीका कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वजन घटाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपना वजन नहीं घटाते हैं तो इसका असर आपके शरीर में कितना पड़ता है। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है। अगर आपका वजन आपके हाइट के अनुसार ज़्यादा होता है तो इस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसमें दबाव भी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन आप तय कैसे करेंगे आपका वजन कितना होना चाहिए, तो आप BMI से कैलकुलेशन कर सकते हैं आपका वजन कितना होना चाहिए। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप गूगल कर पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो बाद में जाकर मैं एक अलग से भी इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो इसका मतलब आप मोटापा का शिकार हो और आपका वजन ज़्यादा है। आपके हाइट के अनुसार अगर आपका वजन 60 kg होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में आपका वजन 80 किलो है तो ये समझा जा सकता है अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 20 किलो वजन का एक सूटकेस लेकर साथ चल रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका शरीर में चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो और नी हो, इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और आप जल्दी थक जाएंगे और आपका सांस फूलने लगेगा। इसके साथ और भी कई गंभीर बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या हृदय रोग हो। वजन के साथ साथ ये सब बीमारी भी आपको घेरने लगेगी। इसी कारण वजन घटाना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों अब चलो बात करते हैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी वजन घटा पाना क्यों मुश्किल होता है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कैलोरी के बारे में ना समझना, क्योंकि हमारे शरीर में जितना कैलोरी ज़रूरत होती है हम लोग उससे कई ज़्यादा ले लेते हैं। वो ज़्यादा कैलोरी फैट के रूप में डिपॉजिट होता है और वजन बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों वजन घटाने में कैलोरी का रोल 70% होता है और फिजिकल एक्टिविटी का 30%। लेकिन हम लोग ध्यान ज़्यादा देते हैं फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। लेकिन एक आम आदमी कैसे समझे उसको कितना कैलोरी लेना है, तो मोटी मोटी तौर पर अगर बोले तो 100 ग्राम अगर चावल या रोटी खाते हैं तो इसमें करीब 200 कैलोरी होते हैं और 100 ग्राम अगर सब्जी लेते हैं तो इसमें 20 कैलोरी होते हैं। कई ऐसे सब्जियां होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरी होते हैं जैसे कि आलू। इसके अलावा 100 ग्राम फल में करीब 50 कैलोरी होते हैं और 100 ग्राम फास्ट फूड या बिरयानी लेते हैं तो इसमें करीब 600 कैलोरी होते हैं। अगर 100 ग्राम मिठाई की बात करें तो उसमें करीब 500 से 600 कैलोरी होते हैं। इसी तरह अगर आप 100 ग्राम तेल खा लेते हैं तो इसमें 1000 कैलोरी होते हैं। अगर आप अपना वजन को कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं तले हुए चीज़ से बिल्कुल बचे। दोस्तों चलो वजन घटाने को लेकर एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका वजन थोड़ा बढ़ गया है और डॉक्टर ने सलाह दिया है अगर आप अपना वजन को नहीं कम करते हैं तो बाद में जाकर आपको कई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए वो थोड़ा परेशान भी हो गया और वो हर रोज़ सुबह 3 किलोमीटर दौड़ने लगा। लेकिन ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना दौड़कर लेकिन उसको पता चला वजन घट ही नहीं रहा है। लेकिन बाद में जाकर पता चला वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़कर जाकर वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी, उसमें जाकर वो 4 रसगुल्ला खा लेता था। तो ऐसे अगर 4 किलोमीटर दौड़ता है तो उससे उसका 300 से 400 कैलोरी लॉस होता है। लेकिन अगर वो 4 रसगुल्ला खा लेता है तो उससे उसका 1200 से 1400 कैलोरी आ जाता है। तो इसमें उसका 800 कैलोरी जो एक्सेस आता है वो और भी फैट के रूप में जमा होता है और वजन बढ़ता है। इसीलिए उसका वजन घटने के जगह वजन बढ़ गया। तो इससे आप समझ सकते हैं जो कैलोरी का कितना अहम रोल होता है वजन बढ़ाने के लिए। इसीलिए ज़रूर सावधानी बरतें और अपने डाइट के दौरान इस तले हुए चीज़ या फास्ट फूड बिल्कुल ना ले। दोस्तों अब चलो बात करते हैं वजन घटाने के लिए सबसे सरल और सही तरीका। नंबर 1, किसी भी भोजन से पहले आप थोड़ा सा पानी पी लें।
इससे क्या होता है, आपका भूख कम हो जाएगा और आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, इससे आपकी कैलोरी इंटेक घटेगी और वजन भी घटने लगेगी। नंबर दो, जब भी खाए थोड़ा थोड़ा करके खाए, बिल्कुल पेट भर कर ना खाए। इससे आपका डाइजेस्टिव समस्या के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ने लगता है। नंबर तीन, दिन भर आप लो कैलोरी फ्रूट खाए, चाहे वो सब्जी हो या फल हो, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है। इससे आप ज़्यादा कैलोरी नहीं ले पाते और आपका पेट भी भरा हुआ रहता है। नंबर चार, वजन घटाने के दौरान आप बिल्कुल हाई कैलोरी फूड या फास्ट फूड बिल्कुल ना खाए। इससे आपका वजन घटाने का जो प्लान है वो ख़राब हो जाता है। नंबर पाँच, कैलोरी के साथ साथ आप हर रोज़ मॉर्निंग वॉक, योगा या एक्सरसाइज, उसके साथ थोड़ा बहुत शारीरिक कसरत भी करें, क्योंकि इससे आपका बेहद ही कम समय में वजन घटने लगेगा। दोस्तों, सबसे जो अहम बात है, आप वजन धीरे धीरे ही घटाइए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आदमी ना खाकर वजन घटाने की कोशिश करता है। इसमें पोषक तत्व का अभाव से आदमी बीमार भी पड़ सकता है। आप एक हफ्ता में करीब 1 kg वजन घटा सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और कोई फ्रेंड और रिलेटिव अगर मोटापा से जूझ रहा है तो उसको शेयर कर दे, क्योंकि उसको भी थोड़ा मदद मिलेगी। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।